कुरान ने दिए हैं बीवियों को ये अधिकार, इन हालातों में करती हैं दूसरा निकाह मुस्लिम महिलाओं के अधिकार और तीन तलाक का मसला अब किसी छुपा नहीं है। भारत सहित सभी देशों मुस्लिम महिलाओं के अधिकार एक अहम मुद्दा बन चुका है, लेकिन पवित्र कुरान ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिया है, जिसमें वह अपने पति से तलाक ले सकती हैं और दूसरा निकाह कर सकती हैं। बता दें, पवित्र कुरान में रिश्तों का संजोने और परिवार को खुशहाल बनाने की बात कही गई है। इन्हीं सब को ध्यान में रखकर पवित्र कुरान ने बीवियों को भी कुछ अधिकार दिए हैं। इन हालातों में कर सकती है दूसरा निकाह। पहले शौहर से तलाक हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना, यदि बीवी का शौहर से तलाक हो गया है या पति की मौत हो गई है, तो स्थिति में महिला दूसरा निकाह कर सकती है। पति की मौत के बाद 3 महीने बाद ही महिला किसी और से निकाह कर सकती है, इससे इद्दत कहा जाता है। इसके अलावा बीवी अपने शौहर से खुला के जरिए भी तलाक ले सकती है। अगर शौहर तलाक मांगने के बावजूद भी तलाक नहीं देता तो बीवी शहर काजी के पास जा सकती है। मुस्लिम कानून में काजी को यह हक है कि वो उनका रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दे जिससे तलाक हो जाएगा, इसे ही खुला कहा जाता है। खुला का प्रयोग करके वह दूसरा निकाह कर सकती है।